मैं हूं मोनू सागर और आप इस टाइम हैं YouTube की दुनिया में। ये अपना एक नया ट्रेंडमार्क है, आप इस टाइम YouTube की दुनिया में हैं। और इसमें आज हमारे पास एक गाड़ी आई है जिसमें एक प्रॉब्लम है। वो भैया अपने मुँह जवानी बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम ये है कि कभी इसका पिकअप बहुत तेज आता है, ओके, नॉर्मली भागती है, ठीक, कभी इसका पिकअप बहुत डाउन आता है, ओके। तो मुझे ये है कि शायद एक स्पार्क प्लग उस टाइम काम करता है, कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है मुझे लग रहा है। ठीक, तो एक्चुअल में मैंने भी अभी नहीं देखा है कि प्रॉब्लम क्या है, पर मैं आई गैस मेरा जो एक नॉलेज है काम का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा अगर होता है जैसा आप रेस ले रहे हैं और ओवरटेक कर रहे हैं, गाड़ी रेस नहीं पकड़ी और अचानक रेस पकड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है या तो कार्बोरेटर में पानी जा सकता है या स्पार्क प्लग से करंट कहीं लीक हो सकता है या फिर कार्बोरेटर का जो स्लाइड होता है जो यहाँ पर लगता है वो ख़राब हो सकता है। इसी वीडियो में मैं ये सब चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्लाइड, अगर वो स्लाइड कट जाता है और वो फंसता है तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो सबसे पहले इसी को खोल के चेक करते हैं, फिर आगे चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कार्बोरेटर का स्लाइड कटा हो सकता है, तो मैं आपको लगे लगे इसको खोल के दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ है या नहीं है। जो मेरा गैस है वो सही है या गलत है, स्पार्क प्लग की प्रॉब्लम हो सकती है, इवन कुछ भी हो सकती है, श्योर नहीं है। तो सबसे पहले जल्दी से इसको खोल के चेक कर लेते हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो रखी है। मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कितनी ख़राब हो रखी है। तो ये क्या होता है, अंदर फंस जाता है, ये अगर स्मूथ काम नहीं करेगा तो वो पिकअप की प्रॉब्लम जो है इसमें आ जाती है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके साथ होती तो आपको कार्बोरेटर चेक कराना है। अब ये प्रॉब्लम आती कितने किलोमीटर पे है, ये कम से कम आएगी आपका 6000 किलोमीटर के बाद, क्योंकि 6-7 हज़ार किलोमीटर नॉर्मली बिना जैसे कार्बोरेटर की सफाई की जाती है या क्लीन किया जाता है ये चीज़ें नहीं कराते, फिर भी नॉर्मली हमारी गाड़ी उतना चल जाती है। फिर अगर एक टाइम आता है इसकी सफाई कराना और क्लीन नहीं कराते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस, मतलब हर सेकेंड सर्विस पर आप इसकी सफाई कराते हैं तो ये कटेगा नहीं। और ये कटेगा कहाँ, जहाँ पर ज़्यादा डस्ट या धूल वाला इलाके में आपकी गाड़ी चलती है या ऑफ रोड कह सकते हैं यहाँ पर गाड़ी चलती है आपकी, तब आपके साथ इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नॉलेज रखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और इसका सलूशन क्या है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।